गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स बच्चों, आज हम आपकी हिस्ट्री में एसएसटी में हिस्ट्री का चैप्टर 10 रीड करेंगे। ठीक है, चैप्टर 10 है आपका व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो बच्चों, आप सभी को ये बात तो पता है कि आपका हर एक चैप्टर हिस्ट्री का जो है वो एक कहानी से शुरू होता है। तो आइए इसकी कहानी पढ़ते हैं। पहले बाजार में घूमती जगनी। जगनी अपने गाँव के मेले के आसपास क्यास लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, शोक रंगों के फूलों के प्रिंट वाले कपड़े, चाबी चलने वाली मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि यदि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे, वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते हैं जहाँ ये बनाए जाते हैं और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। ठीक है, एक कहानी थी, तो उस कहानी के बारे में देखते हैं आगे। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 9 में तुमने उत्तर काल के काले पोले चले बर्तनों के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों में से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी ने ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च का कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापार से जुड़ी एक कविता यहाँ पर दी गई है, आपको अपने आप रीड करनी है। ठीक है, कि मतलब कहाँ पे क्या मिला है। देखो, व्यापार के परिणाम कैसे मिले हैं, प्रमाण के हमें संगम कविताओं में से मिलते हैं। नीचे ली कविता में पूरी समुद्र पर स्थित उहार उपत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। इसमें क्या है, समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तरार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमाचल से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खादान, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात, यानी इन सब के बारे में बताया गया कहाँ पे क्या मिला है। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में एक बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा बताया गया है। नदियों के मैदानी इलाके में सबसे जो उपजाऊ मैदान है वो है कावेरी का मैदान। ठीक है, मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं के मूलविद्धार की चर्चा मिलती है। यह एक समिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य। कौन कौन से तीन शासक परिवारों के लिए कौन कौन थे, चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह छह केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे, एक चोलों का पत्तन उहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। कहा था चोलों का पत्तन उहार कौन सा था, कावेरी पट्टिनम, और पांड्यों की राजधानी मदुरई। ठीक है, जिसे अब मद्रास भी हम कहते हैं। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लेते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, ने नाते, रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएँ लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था।
सातवन शासकों का सबसे प्रमुख राजा कौन सा था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ठीक है। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। दक्षिणापथ का शाब्दिक दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। दक्षिणापथ का कहता है मतलब दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूरी पश्चिम और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल कर सूत कताई होती है, फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। किस देश में? सबसे पहले चीन में, और कब? 7000 साल पहले, ठीक है। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल घोड़ों या ऊँटों पर कुछ दूर लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वे रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यानी कि जो चीन की यात्री जो रेशम ले जाते थे, वो जब जहाँ से ले जाते थे वो थोड़ा थोड़ा फैल जाता था वहाँ पे थोड़ा बहुत, तो वो किसके नाम से मशहूर हो गया? रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट के नाम से, ठीक है। कभी कभी चीन के शासक और ईरान पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी शहरों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ियों रेगिस्तान रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। यही नहीं, रास्तों के आसपास रहने वाले व्यापारियों ने यात्रा शुल्क भी मांगते थे। इसमें मानते 6 प्रश्न क्या 84-85 पे दिखाया गया है कि इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर शुल्क तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते और लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण शासक थे। कौन से थे? कुषाण, ठीक है। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की शाखा मध्य एशिया से सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन समय तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। कौन थे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में? कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। नेक्स्ट है आपका बौद्ध धर्म का प्रसार, ठीक है। कि कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ था कनिष्क। कौन सा राजा था? राजा कनिष्क, ठीक है। उसने करीब 19 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष। कौन थे रचनाकार? कवि अश्वघोष। कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। बौद्ध धर्म की धारा कौन सी थी? महायान, ठीक है। और इसकी दो मुख्य विशेषताएं क्या थी? पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेत के माध्यम दर्शाई जाती थी, ठीक है। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति के पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। क्या मिसाल के तौर पर क्या किया उन्होंने? उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिस्त में आस्था को लेकर आया। बोधिस्त उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। किन्हें कहा जाता है? जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिस्त की एक पूजा की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया चीन और बाद में कोरिया जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएँ खोदी गई। इनमें से कुछ गुफाएँ राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई तो कुछ व्यापारी दर्शकों द्वारा। इनमें ज़्यादातर गुफाएँ पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला, ठीक है।
थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। ठीक है, आज बच्चों इतना ही रीड करेंगे। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतने। आपको क्या करना है, इस चैप्टर को दोबारा से रिविज़न करना है, दोबारा से रीड करना है आपको, और उसके बाद मैं आपको इसके अगले जो है अगला पार्ट कराऊंगी। ठीक है, और आपको अच्छे समझना है कि इसमें कहाँ पे कुषाण शासक कौन था, क्या नाम था, या बौद्ध धर्म कहाँ पे आया, कैसे आया। ठीक है, इन सब के बारे में लर्न करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।